हाय गाइस, हाय फ्रेंड्स, इंडियन डिलीशियस फूड यूट्यूब में आपका स्वागत है। इसी तरह बनाएंगे राजमा की सब्जी, सुपर टेस्टी एंड डिलीशियस। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या क्या हम इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, इसमें क्या क्या हम सामग्री डाले हुए हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक। इसी तरह बनाएंगे सुपर टेस्टी एंड डिलीशियस। हाय गाइस, राजमा की सब्जी बनाने के लिए हम 8 से 10 घंटे के लिए राजमा भिगो लिए हैं, देख सकते हैं। अब इसका जो पानी है डिस्कार्ड कर देंगे, पानी इसका फेंक देंगे, वाश करके अच्छे से वाश कर लेंगे इसको। 8 से 10 घंटे को रखने के बाद देख रहे हैं कितना अच्छे से फूल गया है। तो फूलना बहुत ज़रूरी है, फूल जाता है तो जो कुकिंग का जो प्रोसेस है फास्ट हो जाता है, कुकिंग हमारी फास्ट होती है। इसको अच्छे से मसल के इसको वाश कर लेंगे फ्रेंड्स। पानी को डिस्कार्ड कर दिया, हमने पानी को फेंक दिया है। अब इसको हम बनाएंगे फ्रेंड्स बिना बॉयल किए हुए, बॉयल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम बनाएंगे। देखते रहिए हम कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स। इसमें डालने के लिए हम कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं सामग्री, जो हमारी टर्मरी 1/4, हल्दी 1/4 चम्मच, कश्मीरी मिर्च 1/2 टेबल स्पून, आधा चम्मच 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला, 1.5 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सॉल्ट, नमक फ्रेंड्स नमक अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेजपात, दालचीनी, चक्री स्टार जो बोलते हैं, बड़ी इलायची काली वाली, छोटी इलायची 4 लिए हैं, और 8 से 10 काली मिर्च लिए हैं, 5 लिए हैं लौंग, ये जीरा लिए हैं, जिंजर, अदरक, गार्लिक, लहसुन, चिली, मिर्ची फ्रेंड्स। इसकी सब्जी हम ऐसे बनाएंगे कि मुंह में डालते ही ये मक्खन के जैसे घुल जाए, इतना बेहतरीन बनाएंगे, सुपर टेस्टी एंड डिलीशियस। ऐसा कोई कुकर लेंगे, इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल फ्रेंड्स। हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाले हैं, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, रिफाइंड जो भी हो, आपको जो पसंद अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। हम नॉर्थ इंडियन वाले हैं, ज़्यादा करके हम लोग सरसों का तेल ही खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल ही खाते हैं फ्रेंड्स। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे खड़े मसाले जो लिए थे, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक, चिली मिर्ची का जो हमने चॉपिंग करके रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको 1 मिनट के लिए ऐसे भूनेंगे फ्रेंड्स। हमने 5 ओनियन कटिंग किया था, चॉपिंग करके रख लिए हैं, अब इसके अंदर डालेंगे 5 प्याज अच्छा से कटिंग कर लिए थे। इसको ब्राउन भूनेंगे, इसको ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे अच्छा से। फ्रेंड्स हमारी प्याज लाइट ब्राउन होना चालू हो गया है, अब इस स्टेज पे हम टोमेटो डालेंगे फ्रेंड्स। 2 टोमेटो लिया था, 2 टमाटर, इसको प्याज के साथ में अच्छे से इसको भी भूनेंगे, पूरा गला देंगे। उसको गलाने के बाद तब हम इसके अंदर बताते हैं क्या करना है। इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे फ्रेंड्स, साल्ट अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। साल्ट डालने के बाद अच्छे से इसको चला देंगे, चला के इसको कवर कर देंगे, 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, सीटी नहीं देंगे, कवर कर देंगे ऐसे ही 2 मिनट के लिए फ्रेंड्स। हमारा 2 मिनट हो चुका है, ऑलमोस्ट हमारा टमाटर भी गल चुका है, थोड़ा बहुत है तो वीक गल जाएगा, टेंशन कोई बात नहीं। टर्मरी डालेंगे, हल्दी, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च,
कोरिएंडर एंड कसूरी मेथी। 2 मिनट तक इसको ऐसे भूनेंगे। हमारा मसाला जलना नहीं चाहिए, पकना चाहिए। इसमें थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद थोड़ा इसको चला लेंगे और 2 मिनट के लिए और इसको ढक के रख देंगे। हमारा 2 मिनट हो चुका है, अब इसको ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमने राजमा भिगो के रखा था अब इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। दो मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे। फ्रेंड, एक साइड में हमने गर्म करने के लिए पानी रख दिया था, अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी गर्म पानी डालने से क्या होता है, कुकिंग का जो प्रोसेस होता है ना, फास्ट हो जाती है। फ्रेंड्स एक चीज़ बात बताता हूँ, जब भी राजमा बनाएं तो उसमें पानी की मात्रा को, पानी का वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा डालें, पानी ज़्यादा डालें, क्योंकि पानी ज़्यादा डालेंगे ये राजमा जो खड़े खड़े और अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, कम पानी डालेंगे फट जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप जब भी बना राजमा बनाएं तो ज़्यादा डालें। आपका जो राजमा है ना, ऐसे ऐसे खड़े खड़े रहे और इसको पकने के बाद ऐसे फोड़ेंगे एकदम ठंड के जैसे फट जाएगी, मुंह में डालते ही घुल जाएगी वो। अब इसको कवर कर देंगे, सीटी लगा देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 सीटी आने देंगे। 4 सीटी आने के बाद प्रेशर इसका रिलीज होगा एटिक अपने आप, तब इसको हम ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, तब आपका राजमा सुपर टेस्टी एंड डिलीशियस बनेगी, मुंह में डालते ही घुल जाएगी आपके। उसके बाद बताते हैं क्या करना है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा स्टीम रिलीज हो चुका है, अब इसको ओपन कर लेंगे। तो देखेंगे, चेक करेंगे फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी बीन्स कितना अच्छा गल गया है। बताए थे ना मक्खन के जैसे गल जाएगा, कितना बेहतरीन हुआ है। फ्रेंड्स, कोरिएंडर से गार्निश कर देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी सब्जी कितना बेहतरीन हुई है। सो गाइस, आप भी इसी तरह सब्जी बनाएं राजमा की और खाएं, और कमेंट में बताएं आपकी सब्जी राजमा की कैसी हुई। फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने माता पिता का ध्यान रखें। जिस तरह आपको बचपन में पढ़ाए लिखाए बड़ा किए, उसी तरह बुढ़ापे में उनका लाठी का सहारा बने, कभी साथ न छोड़ें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।